प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के समस्त पत्रकार मित्रों का अभिनंदन। आज की ये पत्रकार वार्ता इसलिए महत्वपूर्ण है कि सरकार ने कहा है कि हमने HRTC के पेंशनरों को सब कुछ दे दिया, इतने 100 करोड़ दे दिया, ये कुछ दे दिया, लेकिन उसमें जो सत्यता है वो कुछ और। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि HRTC के पेंशनर भी CCCC 1972 के अधीन होते हैं, सेक्रेटरियट के पेंशनर्स भी CCCC रूल 1972 के अधीन आते हैं, अन्य सरकारी विभागों के पेंशनर्स भी CCCC रूल 1972 के अधीन आते हैं, और उन पर भी कंडक्ट रूल लगता है, HRTC के कर्मचारियों पर भी कंडक्ट रूल। HRTC अपने कंडक्ट रूल्स में मिसकंडक्ट्स को तो इंप्लीमेंट करती है, किसी को अंडर रूल 14 चार्जशीट करनी हो, अंडर रूल 16 चार्जशीट करनी है, वो तो इंप्लीमेंट हो रहा है सारा काम, लेकिन पेंशन रूल्स CCCC पेंशन रूल्स अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो सरकार एट पार विद गवर्नमेंट, एट पार विद सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड करती है वैसे स्टेट गवर्नमेंट अमेंड करती है, और वैसे ही HRTC अमेंड करती है उनकी इंप्लीमेंट। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, पेंशनर्स को रिवाइज पेंशन हमने दे दी, लेकिन HRTC के पेंशनरों की रिवाइज पेंशन की नोटिफिकेशन आज दिन तक नहीं हुई। ये दूसरी बात झूठ सरकार HRTC के पेंशनरों को गुमराह करने का पास किया, और इसके बावजूद सरकार ने जो अपने साथ रखे हुए एजेंट उन्होंने भी लूटी, पेंशनरों के संगठन और पेंशनरों के एजेंट उन्होंने भी ये वाहवाही लूटी कि हमारे कहने पे कर दिया सरकार ने। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये स्टेचुटरी दायित्व है, ये वैधानिक दायित्व है, संविधानिक दायित्व है, इसको पूरा करने का जिसे कहते हैं श्रेय लेने वाली सरकार कौन होती है? बाकी पेंशनरों को जो पेंशन दी जा रही है उसका सरकार श्रेय लेती है, उनको तो महीने की पहली तारीख को पेंशन मिलती है। ये कहां लिखा है CCCC रूल 1972 में कि HRTC के पेंशनरों को कभी 28 तारीख को पेंशन दी जाए, कभी 15 तारीख को पेंशन दी जाए, अगर CEO छुट्टी पर हो तो उस महीने पेंशन ही ना दी जाए? ये कहां लिखा है? क्या कानून में ऐसा लिखा है? 25/2/2022 को विधानसभा में परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में सरकार ने हमारे साथ बैठक की थी HRTC पेंशनर समस्या समाधान के साथ एक बैठक। उस बैठक में यह तय हुआ था, ये सारी बातें जब रखी गई कि HRTC अपने कागज नहीं देखती, सरकार अपने कागज नहीं देखती, दीदेन वीरभद्र सरकार ने जब पेंशन पर फैसला लिया था, ये फैसला कैबिनेट ने किया था, और ये ऑर्डर पहला ऑर्डर जो है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने जारी किया था, और इसको लेकर के RPF रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ने अड़ंगा उड़ा लिया था कि मैं CPF वालों को GPF में नहीं जाने दूंगा। तो सरकार ने बहुत दस्तावेज दिए, ये निर्णय सरकार की सहमति से हुआ, ये कॉर्पोरेशन का निर्णय नहीं है, तब जाकर के NOC RPFC से मिली थी, और जो पैसा करोड़ों रुपया HRTC के पेंशनर्स का था वो कन्वर्ट हुआ GPF में, जनरल प्रोविडेंट फंड में कन्वर्ट। अब मुझे ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति लगती है, या तो मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स, या मुख्यमंत्री जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। परिवहन मंत्री तो खैर इस बात को समझते नहीं, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में 25/2/20 को बैठक हुई और उसमें यह तय हुआ कि HRTC स्थायी समाधान के लिए प्रस्ताव भेजेगी और सरकार उसको स्वीकार करेगी, और HRTC के पेंशनरों का सरकारी पेंशनरों के समान स्थायी समाधान कर दिया जाएगा। और ये कुल मिलाकर के HRTC पेंशनरों की एक ही मांग है कि उनकी पेंशन का स्थायी समाधान किया जाए। दस तो है नहीं, तो हमें टुकड़ मार पेंशन बना दिया गया, टुकड़ों में, जैसे टुकड़ों में देते हैं कि आज आपको ग्रेच्युटी दे दी, कल आपको साल बाद लीव इनकैशमेंट दे दी, 2 साल बाद आपको आपका क्या कहते हैं PPO जारी कर दिया। इस तरह की स्थिति HRTC के पेंशनर्स की बनाई, और इससे भी बदतर स्थिति यह है कि करोड़ों रुपया एक एक पेंशनर्स का, लाखों रुपया एक एक पेंशनर्स का सरकार ने कुंडली मार करके, लाखों रुपया एक एक पेंशनर्स का
कोई भी पेंशन नहीं है जिसका 5-6 लाख से कम पैसा सरकार ने कुंडली मार करके रखा। मेडिकल रिवर्समेंट, चिकित्सा भत्ता जो है उस पर अनदेखी है, वो जो कुछ आता है थोड़ा बहुत सरकार जारी करती है वो हेड ऑफिस में बंदर बांट हो जाता है। अब आप बताइए पेंशन सेल में जो लोग बैठे हैं जो वस्तु स्थिति नहीं रखना चाहते, क्लर्क भी वही, सुपरिटेंडेंट भी वही, एसओ भी वही, अधिकारी भी वही, यानी कि जब से लगे तब से हेड ऑफिस में उसी सेल में, उनकी दया पर पेंशन सेल हो गया। हमने कहा कि हजारों में पेंशन सेल की पेंशनरों की एचआरटीसी में तादाद हो गई है, आप एक इसके लिए एक ग्रीवियंस सेल बनाए ताकि पेंशनर जो बाहर से आता है अपनी एरियर की पूछताछ करता है, अपनी पेंशन फंड होने की पूछताछ करता है, उसके पास कम से कम त्वरित जवाब हो, जवाब हो वो सहायक जो बैठे उसमें, पेंशन सहायक जो बैठे उसमें ग्रीवियंस सेल में, वो कम से कम इस बात का जवाब दे सके। बात मान ली गई, आज दिन तक इंप्लीमेंट नहीं, 2 महीने का सरकार का समय रह गया। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं सरकार को ब्यूरोक्रेट्स गुमराह कर रहे हैं, नौकर साहब गुमराह कर रहे हैं, सरकार की नीतियां नौकर साहब डुबो रहे हैं, और एचआरटीसी की बनाव पर रेबड़ियां बांटी जा रही है। हमने कहा था कि आइदर यू रन एचआरटीसी एज ए सोशल ओरिएंटेड, या तो इसको सामाजिक दृष्टि से चलाइए, सरकार इसकी भरपाई करे, आइदर यू रन एचआरटीसी से प्रॉफिट ओरिएंटेड, या तो इसको प्रॉफिट के हिसाब से चलाना है, प्रॉफिट दे तब जाकर के हम वो करेंगे सारे खर्चे एचआरटीसी के मीटअप करेंगे, तो फिर इसको स्वतंत्र निर्णय लेने दिया जाए। सरकार एचआरटीसी के नाम पर कई खैरातें बांट रही है, कई तरह की अनुचित जिसे कहते परिस्थितियां। आप बताइए गांव में जो बस जाती है 2 आदमी के लिए बस लगाइए, पूरी बस जाती है तो उसकी इनकम्बेंसी कितनी होगी, उसकी ऑक्यूपेंसी क्या होगी, वो क्या कमा करके लाएगी, वो सोशली दे रही है। तो एक बार आप इसको सोशल, और ये बाकी स्टेटों में ऐसा है, हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट अंडरटेकिंग्स हैं उनमें प्रॉफिट के रूट अलग है, सोशल के रूट अलग है, और सोशल रूट्स की भरपाई सरकार करती है। तो अब सरकार के पास इस बात का क्या जवाब है, इस बात का, इस प्रश्न का उत्तर है, आइदर गवर्नमेंट रन एज एचआरटीसी प्रॉफिट ओरिएंटेड, आइदर रन एज सोशल। अब सेक्रेटरी बैठता है, सेक्रेटरी क्या गवर्नमेंट नहीं है, एचआरटीसी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी मेंबर है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का चीफ मिनिस्टर मेंबर है, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मेंबर है, डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट मेंबर है, और 2 जो उसको कंट्रोल करने के लिए एचआरटीसी को लगाए हुए हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर कम सीईओ और एमडी, वो भी सरकार के नॉमिनी है। एचआरटीसी कहां से गैर सरकारी होगी, उसको गारंटी ने देनी पड़े और बाकी सारी खजाने से खर्च हो, ये कौन सा, ये तो एचआरटीसी को एक शोषण कांटा बना दिया सरकार ने, ब्यूरोक्रेट्स ने शोषण कांटा बना दिया। मैं आपको बड़ी स्पष्ट बात कहना चाहता हूं, एचआरटीसी आज इतने शोषण का शिकार है, ना तो वहां कोई कानून है, इसी को मैं एक बात कहना चाहूंगा। एक आरएम 30 तारीख को उसने रिटायर होना था, जेपी शर्मा नाम का आरएम लोकल का, वो कैंसर का मरीज है, छुट्टी लेकर के कैंसर हॉस्पिटल गया और पीछे से उसको सस्पेंड कर दिया। 30 को उसने रिटायर होना, 30 तक वो छुट्टी था, थाई को चला गया, छुट्टी लेकर चला गया, और उसने मतलब कत्ती को आना था, उसने कत्ती को उसके रिटायरमेंट होनी, और उसको 28 तारीख को शाम को मैनेजर टेक्निकल बैठा टेबल पर और उसने झूठी रिपोर्ट बनाई और उसको सस्पेंड कर दिया। हो सकता उसने एमडी के किसी अनुचित ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए मना कर दिया हो, इसलिए मना कर दिया हो कि भाई अब मैं रिटायरमेंट पर हूं, अब बचता है आदमी अनुचित ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए। आप बताइए उसको ये रिवार्ड दिया कि उसको सस्पेंड कर दिया जाए, अब सारे तथ्य जुटा लिए, सब कुछ जुटा लिया, सब कुछ कर लिया, अब सीसीसी रूल्स 1965 के तहत किसी भी चार्जशीट की इंक्वायरी 45 दिन के अंदर तो होनी चाहिए, नहीं तो वो इन्फेक्चुअस हो जाती है, कानून ये कहता है कि वो इन्फेक्चुअस है 45 दिन के अंदर, वो 45 दिन भी पूरे हो गए, उस गरीब को ना तो कोई पेंशन है ना तो उसको कोई किसी प्रकार का, अब वो ऑर्डर ही इनवैलिड,
यानी कि जो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाए उसको माननीय मुख्यमंत्री विरोधी समझ लेते हैं, जो सच कहे उसको माननीय मुख्यमंत्री विरोधी समझ लेते हैं, वो सरकार का विरोधी है। सच कहना बगावत है, तुम बागी ही सही है और हमारा काम बगावत ही सही, तुम बागी है बगावत ही सही। लेकिन इतना जरूर हम कहना चाहते हैं कि पानी उतरा देख करके अपना घर मत बना लेना, हम समुद्र हैं लौट के आना, ये समझ लेना। यह मुख्यमंत्री को नसीहत दे, तुमने हमें पैदा नहीं किया, हमने तुम्हें पैदा किया, और ये बहुत अन्यायपूर्ण परिस्थितियों में बड़ी विवश कर दिया हमको इस प्रकार का कहने के लिए। ये सारी परिस्थितियां एचआरटीसी की मैनेजमेंट ने, एचआरटीसी की सरकार ने मिलकर के क्रिएट कर दी है। परिवहन मंत्री भी गुमराह हो रहे हैं। अरे जब हमने सवाल किया 25-20 को विधानसभा में, जब नेगोशिएशन में ऑफिसर बैठे थे, हमने डॉक्यूमेंट दिखाए, पूरी मैनेजमेंट लाजवाब थी। मंत्री ने पूछा भी बहुत जवाब, तो एक आदमी जवाब नहीं दे सका। हमने कहा फिर गलती कहा, तो वो जो एमडी थे यूनिस खान, उन्होंने कहा जी कोर्ट भी ऐसा कहती है, सच कहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन इज नॉट ए बाउंटी, इट इज वर्थ राइट ऑफ द पेंशनर। पेंशन वो छाता है वरिष्ठ नागरिक का जो बुढ़ापे में काम आता है, ये बाउंटी नहीं है, खैरात नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है पेंशन की परिभाषा को। लेकिन मरने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार लोगों को पेंशन बांट रही है, लोगों को पेंशन दे रही है, हैं? उनको उनके उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रही है, तो सरकार अपने आप को न्यायप्रिय सरकार बोल रही है, बाबा ही रोक रही है। और एचआरटीसी के नाम पर आए दिन रेवड़ियां मांडी जा रही, आए दिन रेवड़ियां मांडी जा रही, उसको कंसेशन। एचआरटीसी तो राजनीतिक लूट का अड्डा बन चुका है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी को राजनीतिक लूट का अड्डा बना दिया है। जवाब दे, हमारे प्रश्नों का जवाब दे सरकार। अब ये उसकी कीमत वरिष्ठ नागरिकों से वसूल करना चाहती है, हम वरिष्ठ नागरिकों से वसूल करना चाहते हैं उसकी कीमत। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए आप एचआरटीसी को राजनीतिक लूट का अड्डा बना दें और वरिष्ठ नागरों के गले पर छुरी रख रहे हैं, क्या ये न्यायोचित है या न्याय संगत है? तो पत्रकार मित्रों, आज की इसमें मुझे इसके अलावा एक बात और कहनी है, बाकी सब हमने उपाय कर लिए, लेकिन सभी पेंशनर्स किसी समय भी सेक्रेटरीट के बाहर सामूहिक अमरनाथ सिंह पर बैठेंगे। एचआरटीसी के जितने भी पेंशनर है सामूहिक अमरनाथ सिंह करेंगे, सरकार 45 दिन के अंदर कोई ना कोई फैसला, कोई ना कोई बहाल निकाले। हम समय देते हैं, हम राष्ट्रवादी विचारधारा को विलोम करते हैं, हम राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ रखते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी विचारधारा ये नहीं कहती कि तुम किसी के साथ अन्याय करो, किसी के साथ अन्याय करो। लाखों रुपए हमारी एक एक व्यक्ति की, एक एक पेंशनर की कुंडली मार करके सरकार और एचआरटीसी बैठी है और कुछ कह रहे हैं कि हमने न्याय उचित कर दिया। तो मुझे इतना ही आप सबसे कहना है, इतना ही कहना है। मैंने एक उदाहरण भी दे दिया कि इस तरह की कार्यप्रणाली है कि 3 दिन एक आरएम बेचारे को रिटायरमेंट को थे और उसको इलीगल सस्पेंशन ऑर्डर दिया गया, इसलिए कि भाई एक शीशा, क्योंकि बजट नहीं जारी किया था, अब बजट जारी नहीं होता तो शीशा बदल नहीं सकता, तो बजट जारी नहीं हुआ था, वो ऑर्डर करके गया था कि जैसे ही बजट आएगा शीशा बदल देना। उसमें एल्बोनियम लगा था, खिड़की में एल्बोनियम की वो बंद थी। हमारे कमरे में अगर हम व्यवहार में आएंगे तभी स्थिति स्पष्ट होगी। एचआरटीसी के पेंशनर्स हैं, हमेशा से यही समस्या, ये क्या सिर्फ सकता एक उद्योग में एक ही नीति चल सकती है, तो उस आधार पर 95 में पेंशन हुई और पेंशन का क्राइटेरिया भी रखा गया जिसके आधार पर आरबीएफसी हमने बना करके दिया। मेरे बैग आपको दिखा, और इसको स्वीकार किया इन्होंने 25-20 को, इन्होंने स्वीकार के साथ न्याय करेंगे और सारी पेंशनरों के साथ ठीक करेंगे कि नहीं नहीं उस समय तो ये उसमें कर देते हैं। मैंने कहा आप तो ला ग्रेजुएट हैं, आप तो वकालत करते रहे हैं, पेंशन इज नॉट ए बाउंटी, पेंशन बाउंटी नहीं है, खराब नहीं है, इसी तो सोशल पेंशन
तो ऐसा नहीं है बाकी सरकारों ने गलत किया तो फिर सरकार बदलने की क्या जरूरत है, फिर गलत सरकारें चलती रहती, फिर बीजेपी की सरकार क्यों आती, फिर वो क्यों जाती और ये क्यों आती। और मैं ये कहना चाहूंगा, आपकी बात बड़ी रेलेवेंट है, मैं विनम्रतापूर्ण कहना चाहता हूँ, बाकी और किसी भी राजनीतिक दल ने, और हमारी मुख्य मांग यह है कि HRTC के पेंशनर्स की समस्या का स्थायी समाधान हो। क्या क्या समस्याएं आपकी? समस्या एक ही समस्या है कुल मिलाकर के, कि हमें पेंशनर्स कानून के अनुसार मिले, CCA रूल पेंशन 1972 के नियमों के अनुसार मिले, जैसे सरकारी मिलती है वही कानून हम पर लागू होता है, उसी हिसाब से हमारा DA रिवाइज हो, उसी हिसाब से हमारी